आप देख रहे हैं अपना समाचार। देखिए अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, संजान में शूट कर रहे हैं, गुजरात में आता है। पिक्चर का नाम है ड्रामेबाज और यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि एक्शन का माहौल चल रहा है, पूरा एक्शन शूट है, क्लाइमैक्स फाइट यहाँ चल रहा है। तो हमारा सबका हालत भी सबका ऐसे हो रखा है लाइक गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसमें हम लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। और कितना ड्रामेबाजी कर रही हैं? ड्रामेबाजी तो बहुत सारा कर रही हूँ उसमें, वो तो आपको देखने के बाद चलेगा पता कि इसमें क्या क्या ड्रामा किया है। बट इसमें जो हमारे हीरो हैं गुंजन सिंह जी, वो भी बहुत ड्रामेबाज हैं, ड्रामे कर रहे हैं। उनके तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके माइंड में, इतना शातिर माइंड है ना जो बार बार में चल रहा है, और मैं उनके इसी माइंड से परेशान हूँ कि यार कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी पिक्चर है ये, इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जो आई होप कि मेरी सारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। ड्रामेबाज नाम है इसमें, कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है, और रोमांस भी सिंपल नहीं है, स्टाइलिश रोमांस है, एक अलग ही प्यार का कि कैसे एक दूसरे को प्यार का एहसास दिलवाया जाए, प्यार कैसे किया जाए, प्यार के बहुत सारे पंचेस इसमें ऐसे ऐसे हैं कि लड़की कैसे हीरो को पसंद करती है, कैसे उससे प्यार होता है और कैसे सब चीज़ें छोड़ती है या नहीं छोड़ती है, और एंड में क्या होता है, ये बहुत मेन है। तो पिक्चर का एंडिंग डिपेंड करता है कि हीरोइन क्या ड्रामा खेलेगी और क्या उसके माइंड में चलेगा। इंतजार तो उसने किया ही नहीं है, वो ड्रामे खेल रहा है बार बार में, और कहीं ना कहीं उसके ड्रामों से इजहार उसका होना, मुझे लग रहा है ऐसा कि हो जाएगा बट अभी तक तो हुआ नहीं है। मैं बोल रही हूँ कब करोगे प्यार का इजहार, कब करोगे, कब करोगे, बट अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कब करेगा। हीरोइन है बेकरार और हीरो है शैतान, वो खेल रहा है सिर्फ ड्रामा ड्रामा ड्रामे बस। इसमें आपके लिए खास करके एक मोटरसाइकिल बनाई गई है। अरे माई गॉड, मोटरसाइकिल जो इसमें है बहुत स्टाइलिश है, जैसे आज तक दुनिया में कहीं पे भी वैसी बाइक तो होगी ही नहीं। वो इतनी एक अनमोल टाइप की बाइक है, लाइक ऊपर से बाइक है नीचे से साइकिल है, और जिस पे मैं और जब गुंजन जी बैठ गए, और हाईलाइट ये था कि उस दिन उस साइकिल में हवा थी नहीं, हवा भी नहीं थी उस साइकिल के अंदर टायरों में, ऊपर से पीछे मैं आगे गुंजन जी, तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो साइकिल कैसे चली होगी। तो उस दिन जो सीन था, गुंजन जी ने जब साइकिल चलाई तो शाम को उनके थाइस में इतना पेन हो गया, बोल रहे थे मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैंने इतना साइकिल चलाया, इतना वेट मुझ में, आप में, मुझसे पूछा आप में कितना वेट है, मैंने बोला मेरा वेट छोड़िए आप आपका वेट बताइए। जब उन्होंने उनका वेट बताया और जब मैंने अपना वेट काउंट किया और साइकिल को देखा जिसमें टायर में हवा नहीं है, मैंने कहा अब तो आप चला लिए, अब तो आपका कल तो शूटिंग होली है आपसे। और उनसे डायरेक्टर ने बोला कि एक बार एक और टेक दीजिए, वहाँ से चला के लेके आई। तो उन्होंने कम से कम 10 किलोमीटर वो बिना हवा वाली साइकिल चलाई, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा बहुत मज़े आए। और वो साइकिल है कि पॉल्यूशन फ्री है, एक्चुअली में हम लोग वो साइकिल वैसे नहीं चला रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि एक संदेश देना, पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स चलाइए, पॉल्यूशन कम फैलाइए, और आप साइकिल पे भी चल सकते हैं बाइक बना के। आइडिया तो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर जी का नाम है चंदन सिंह, जब नाम ही चंदन सिंह है तो काम भी चंदन के जैसा एकदम प्योर काम होगा, और वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, उनकी टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो जब वो शूटिंग करते हैं, हम लोग जब भी उनके साथ में होते हैं तो कब पिक्चर शुरू होती है कब ख़त्म होती है इसका एहसास ही नहीं होता है। और ये पिक्चर भी बहुत अच्छे से वो शूट कर रहे हैं, मैं पहले भी उनके साथ में काम कर चुकी हूँ। तो चंदन जी एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, जब वो सेट पे आते हैं तो उनको पता होता है कि मुझे क्या शूट करना है, कैसे क्या करना है, कम टाइम में एक अच्छी पिक्चर, मतलब बोलते हैं ना फुल पैकेज है वो, और मेरे फेवरेट हैं, इज वेरी नाइस, जितनी तारीफ करो उतना कम है। और जहाँ तक बात प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राहुल जी और डॉक्टर एस के पांडे जी, वो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं, दोनों प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, पहली बार एक कोशिश कर रहे हैं वो लोग भोजपुरी पिक्चर बनाने की। तो मैं चाहूँगी ऑडियंस उनकी ये पिक्चर ज़रूर देखेगी, जब पहली बार कोई प्रोड्यूसर आता है तो वो चाहता है कि उसके पिक्चर को बहुत सारा आशीर्वाद उसकी ऑडियंस से मिले, ऑडियंस उसको ढेर सारा प्यार दे, सपोर्ट करे। तो बस यही मेरी गुजारिश है मेरी सारी ऑडियंस से। और पूछिए, अभी आप सास तो पूछने की एकदम घड़ी लगी हुई है, आप कुछ भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी?
देखिए अभी मेरी हाल ही में पिक्चर रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है बॉर्डर। बॉर्डर पिक्चर हो रही है, 15 जून को रिलीज़ हो रही है। तो मैं अपनी सारी ऑडियंस से, एक ही अपनी सारी जनता से, मेरी प्यारी सी ऑडियंस से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, 15 जून को अपने नज़दीकी हॉल के अंदर जाइए, पिक्चर देख के आइए। क्योंकि ये पिक्चर एक फैमिली पिक्चर है, देशभक्ति पिक्चर है। ऐसी पिक्चर बहुत ही कम पिक्चरें आती हैं जो अपनी देशभक्ति के ऊपर बनी होती है। तो ये पिक्चर एक ऐसी पिक्चर है जो हम लोग कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। हमारी जो ऑडियंस है भोजपुरी पूरा, अभी तो एक टाइप की पिक्चरें, कई मतलब अलग अलग टेस्ट की पिक्चरें आ रही है, कभी कॉमेडी आती है, कभी एक्शन पिक्चरें आती है, और ये पिक्चर देशभक्ति पिक्चर है। तो आप लोग ज़रूर देख के आइएगा बॉर्डर। गाने भी इसमें एक सॉन्ग है जो खेसारी जी ने गाया, वो गाना बहुत ही प्यारा गाना है इसका, दीवानी भैर नगमा निरहुआ के प्यार में। ये गाना मुझे वो लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक गाने से मेरा खुद का भी है जो सास बहू की नोकझोंक है, वो नोकझोंक बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्लीज़ वो गाना आप लोग देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा कि सास बहू कैसे झगड़ती है। और मैं पहली बार झगड़ेलू बहू का रोल प्ले कर रही हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई एम वेरी सिंसियर। मगर इस पिक्चर में मैंने झगड़ालू बहू का रोल प्ले किया है। तो बॉर्डर पिक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद जो पिक्चर आ रही है बैरी कंगना 2 आ रही है मेरी, जिसमें रवि किशन जी मेरे अपोजिट है, काजल राघवानी है इस पिक्चर में। और ये पिक्चर पूरी, जिसकी बैरी कंगना 1 आई थी वैसी बैरी कंगना 2 है, और अशोक जी इसके डायरेक्टर हैं। और ये पिक्चर बहुत ही अच्छी शूट हुई है, इसमें उमेश जी भी हैं विलन के किरदार में। तो आप लोग बैरी कंगना 2 भी देखिएगा, बॉर्डर भी देखिएगा, दरार 2 आ रही है, और ढेर सारी पिक्चरें ऐसी आ रही है कि अभी मुझे उनके नाम भी याद नहीं आ रहे। और सबसे स्पेशल पिक्चर एक आ रही है मेरी, निरव्वा हिंदुस्तानी 3। फर्स्ट आई आपने प्यार दिया, सेकंड आई आपने प्यार दिया, और अभी आ रही है निरव्वा हिंदुस्तानी 3 आ रही है, जिसमें मैं भी हूँ, अमरपाली जी भी हैं, दिनेश जी हैं। तो इस बार भी अपना प्यार उस पिक्चर को भी ऐसे देना, क्योंकि वो पिक्चर और धमाकेदार बनी है बहुत। उसमें तो इतना ट्विस्ट एंड टर्न है, और बहुत ही अलग करेक्टर है उसमें। और कुछ पूछना है जी? बस अब बाकी जो हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, राम जी हैं हमारे, और जितने भी मीडिया वाले जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और हमारी न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए मैं सभी मीडिया वालों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और ऐसे ही हमारी खबरें आप तक पहुँचाइए, और अपने दर्शकों को शुभी शर्मा का ढेर सारा प्यार का आशीर्वाद मुझ पर ऐसे बनाए रखिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं अपना समाचार।